तो हमेशा की तरह मम्मी बैठी थी और सामने न्यूज चल रहा था। मम्मी कभी भी न्यूज देखती नहीं है, सिर्फ सुनती है। अमेजोन से एक कुरियर मंगाया था अंकिता के लिए, जिसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता था। बड़े वाले बॉक्स में से एक छोटा सा बॉक्स निकला, पता नहीं क्यों। फाइनली अंकिता को मिल गया उसका आइस गोला मेकर। वो शौक तो बहुत हो गई थी, पर फाइनली हमने सारी चीजों को अनबॉक्स किया और ये इसके नखरे शुरू। फाइनली जब मम्मी को बुला के ये चीज बताई तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। घर से निकल के हम लोग पहुंच गए कॉन्सेप्ट हुंडई में, जहां पे हमको काफी ज्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कोई और कस्टमर लेके गया हुआ था। अंकिता पीछे की सीट में बैठी हुई थी, मैं ड्राइव करने वाला था और कॉन्सेप्ट वाले भैया जो कि दिव्या पाल है वो हमारी साइड की सीट में बैठे थे। इको मोड से शुरू किया, फिर कंफर्ट मोड पे आया। उसके बाद जैसे ट्रैफिक से निकल के स्पोर्ट्स मोड में मैंने लगाई, भाई गाड़ी अचानक उड़ने लगी है 100 तो 8 सेकंड्स के नीचे। एडास के अलावा सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे थे और मुझे पर्सनली लगा कि इस सेगमेंट की ये सबसे बेस्ट गाड़ी होने वाली है। फाइनल ड्राइव के मजे खत्म हो गए, सब्सक्राइबर को मिले और हम पहुंच गए वापस हमारी खुद की गाड़ी। जब रास्ते में तब और भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अंकिता ने मंगाया केसर पेड़ा और मैंने मंगाया मिल्के। पूरे दिन में ये पहली बार खा रही थी तो इसको देख के मैं खुश हो गया और इसको मैंने अपने हाथों से मिल्के खिलाई। फिर वहां से एक रेस्टोरेंट में गए जहां पे एक और सब्सक्राइबर मिला। मेन्यू में अकेला देखने वाला था क्योंकि मम्मी और अंकिता दोनों के पास था। ये पूरा सिलसिला मैंने दबा के खाया। ये तो फोन पे आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और पिन कमेंट चेक कर लेना। फॉलोइंग वीडियोस।